कम से कम 5 से 6 करोड़ का इसमें व्यवहार भी हो गया। शायद आम आते थे तो इतना पैसा नहीं आता था, यहाँ आम नहीं आकर भी उससे ज्यादा दाम आ गया। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा खुलासा है, खानी उड़ा जाके, जबकि वो ढानू में कार्यरत थे, वसई में कार्यरत थे और 25 साल से उधर खानीवड़ा में जाके कैसे अप एंड डाउन कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मतलब उनके पास हेलीकॉप्टर रहेगा या प्लेन रहेगा जिससे वो जाते हैं, खेती करते हैं और वापिस इधर आ जाते। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था कि तहसील के भ्रष्टाचार का जो मैं सीरीज चलाने वाला हूँ, इसमें अगला वीडियो स्वप्निल डिकुना का इंटरव्यू है। तो मैं आया हूँ अभी स्वप्निल डिकुना से मुलाकात करने और उनके पास क्या इस संबंध में जानकारी है वो बताने। इससे पहले खाली आपको ये कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि गरीब लोगों का हक मारा ना जा सके, उसके लिए उनके लिए कुछ कानून बने हुए हैं। लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी है, ये उन्हीं कानून का फ़ायदा उठाकर किस तरह से खुद की जेब गर्म करते हैं, यहाँ इस मामले में ये दिखाई दे रहा है। तो सीधे बात करते हैं स्वप्निल डिकुना से। स्वप्निल जी नमस्कार। स्वप्निल जी, खानीवड़े सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 अ, इस ज़मीन में आपको क्या हेरफार दिखाई दिया और आपने क्या कंप्लेन किया इसके बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहले मैंने उप विभागीय अधिकारी और वसई पुलिस स्टेशन, आयुक्तालय और तहसीलदार में एक कंप्लेंट दिया हुआ है, उसका ये रिसीविंग है। कंप्लेंट ऐसा है कि मोहनदास पांडुरंग पाटिल ये सेतु चलाते, सेतु का ठेका इनको ऑफिशियली दिया गया है और वो ऑफिशियली ठेका जो दिया गया है वो उप विभागीय अधिकारी मतलब हमारे जो SDO है वसई के प्रांत, उनकी तरफ से उनको दिया गया है और उसका ये ऑर्डर है। और ये ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा है कि मोहनदास पांडुरंग पाटिल ये पढ़े लिखे है और इनको ढाणू में वसई में अभी चला रहे और वसई में जो सेतु का ठेका चला रहे उसके पहले वो ढाणू में सेतु का ठेका चला रहे थे, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है और वो पढ़े लिखे, इसके लिए उनको ये ठेका दिया गया है। ठीक है, अभी इनके नाम पे गलत तरीके से, अवैध तरीके से तहसीलदार वसई से एक 26 गुंठे का प्लॉट ये कूड़ करके इनको दिया गया है। अभी सोचो आप, जो आदमी 12 घंटा सेतु में काम करता है उसे कभी वक्त मिलता है कि वो खानीवड़ा जाके, वसई से खानीवड़ा जाके खानीवड़ा की ज़मीन के ऊपर ज़मीन कसता है और उधर खेती करता है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। ये कुल का जो आपने जिक्र किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कुल क्या है, कुल कायदा क्या है? कुल कायदा क्या होता है ना कि ज़मीन किसी और का रहता है और उसको कसने वाला कोई और रहता है, तो ज़मीन महसूल के अंदर क्या लिखा गया है, जो कसेल तो कुल, मतलब जो खेती करेगा वो कुल। लेकिन मोहनदास पांडुरंग पाटिल ये सेतु में ठेका कर्मचारी, मतलब एक प्रकार से शासन के अंडर ही हो गए, वो शासन के अंदर काम भी कर रहे हैं और उधर जाके 25 साल से खेती कर रहे हैं खानीवड़ा जाके, जबकि वो ढानू में कार्यरत थे, वसई में कार्यरत थे और 25 साल से उधर खानीवड़ा में जाके कैसे अप एंड डाउन कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मतलब उनके पास हेलीकॉप्टर रहेगा या प्लेन रहेगा जिससे वो जाते हैं, खेती करते और वापिस इधर आ जाते। लेकिन इन्होंने एफिडेविट पर, सत्य प्रतिज्ञा पत्र पर लिखा है कि मैं 25 साल से वहाँ पर खेती कर रहा हूँ और खेती और खेत जमीन से जो आने वाले उत्पन्न है उससे मेरा घर चलता है। सर, अगर वो सेतु में काम कर रहा है, ठेका चला रहा है, तो उसका सैलरी जो आ रहा है उससे उसका घर नहीं चल रहा है, वो पैसे थोड़ी वो गरीबों में बांट रहा है, घर उसका सेतु से ही चल रहा है। लेकिन ये घोटाला करने के लिए ये एफिडेविट में लिखा गया कि वो खेती करता है और वो खेती बेचने के बाद उसमें से जो पैसा आता है वो उससे उसका उधर निर्वाह चलता है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ सर, अगर वो खेती करता है तो वो खेती जो करता है उसका भी उल्लेख पीक पानी पे होना चाहिए, फिर वो खेती करता है उसकी धारा, उसका जो टैक्स रहता है, उसका जो खंड रहता है वो ज़मीन मालक को भी देना चाहिए, उसकी पावती भी चाहिए, उसका नोन भी 7/12 पे और तलाठे के पास उसका भी नोन चाहिए पिक पानी पे। लेकिन आप देखोगे तो फ्रॉड देखो अभी कैसे होता है। हाँ, ये जो पुलिस पाटिल है खानीवड़े की, ये लिख के देती है 25 साल से मोहनदास पांडुरंग पाटिल उधर खेती कर रहा है,
फिर ग्राम पंचायत का भी उनको दाखला मिल जाता है, जिसके अंदर ये आशा अनंत पाटिल, इन्होंने भी लिख के दिया है कि वो 25 साल से उधर खेती कर रहा है। लेकिन देखो, ये इनके ही कारनामे खुद बाहर निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रशासन जो है वो अवैध तरीके से चलता है, क्योंकि ये पुलिस पाटिल और ये ग्राम पंचायत की जो ये है सरपंच जो है, इन्होंने जो लिख के दिया 25 साल से, लेकिन दाखले के ऊपर भी नहीं है, जाओ क्रमांक नहीं है, वो सब फ्रॉड है सर। इसके लिए अभी देखो, ये बोल रहे 25 साल से, लेकिन उधर खानीवड़े का तलाटे क्या दे रहा है कि 2016 तक, पेपर है मेरे पास सब पिक पानी है, 2016 तक राजीव कुमार सिंह खुद उधर खेती करता था और धान्य लगाता था, भात खेती करता था। ये पिक पानी के ऊपर है, तलाटे बोल रहा है, मतलब तलाटे बोल रहा है कि जमीन मालक कस रहा है, और ये सरपंच और ये पुलिस पाटिल खानीवड़े की बोल रहे हैं कि मोहनदास पांडुरंग पाटिल उधर जाके जमीन कस रहा है, जो कि साफ साफ झूठ है। लेकिन ये झूठ बनाने का जो डॉक्यूमेंट अभी हाथ में लगा है, उससे साबित हो रहा है कि पुलिस पाटिल, सरपंच, तलाटे, तहसीलदार सब मिले हुए हैं। सब लोगों ने ये जमीन जो राजीव कुमार सिंह का है, ये आउट ऑफ टाउन रहते, इनके ना होने के बावजूद केस चलाया गया, मोहनदास पांडुरंग पाटिल को वो जमीन कूड़ करके उनके नाम पे चढ़ाया गया अवैध तरीके से। 2 महीने के बाद उनको 32 ग के तहत मालक बनाया गया, और 2 महीने के बाद मोहनदास पांडुरंग पाटिल ने ये जमीन जो है वो किसी एक मिनट, ये जमीन इन्होंने बेच दिया, उसका 7/12 भी मेरे पास है। तो 70 ब का केस चलाया गया जमीन मालक की अनुपस्थिति में, और 70 ब के हिसाब से मोहनदास पांडुरंग पाटिल को इतर अधिकार में नाम चढ़ा के कुल बनाया गया। उसके 2 महीने बाद 32 ग का केस चला के तहसीलदार ने मोहनदास पांडुरंग पाटिल को कुल से मालक बना दिया, और उसके 2 महीने बाद मोहनदास पांडुरंग पाटिल ने ये जमीन मोहम्मद रियाज एम कपूर और विनोद शंभुबाई वैष्णव इनको बेच दिया। मतलब पैसे कमाने का अवैध तरीका देखो, अवैध तरीके से नाम चढ़ाया गया, अवैध तरीके से उसको मालक बनाया गया, अवैध तरीके से ये जमीन बेचा गया, और बेचने के बाद नहीं नहीं करके खानीवड़ा में रोड टच हाईवे जमीन है, ब्रिज उतरने के बाद राइट साइड में, वो जमीन का कीमत आज नहीं नहीं करते एक गुंडे का 25 लाख से कम नहीं रहेगा। मतलब 5 से 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड, वो भी खड़े खड़े। मतलब पब्लिक को कैसे प्रशासन फंसाती है, और जमीन प्रशासन जो बैठा है जमीन के मामले सुलझाने के लिए, महसूल विभाग, वो अपने कर्मचारियों के नाम के ऊपर जमीन करके 2 महीने में उसको मालक बनाते, और 2 महीने में वो जमीन बेच के वो 6 करोड़ रुपया सब मिल बांट के खाते हैं। कितने ताजुब की बात है, जो इंसान बोल रहा है कि मैं 25 साल से यहाँ पर खेती करता हूँ और खेत मजदूरी से मेरा पेट भरता है, मेरा घर चलता है, वही इंसान अपने नाम पर होने के बाद में सिर्फ 2 महीने में पूरी की पूरी जमीन एक गुंटा रख के बाकी पूरी की पूरी 25 गुंटा जमीन बेच देता है। मतलब कि जो इंसान इतने साल से खेती कर रहा था उसको इतने पैसों की जरूरत पड़ी गई, आन पड़ी कि उसने जमीन ही बेच दी। यानी सीधा सीधा जो आप अभी आरोप लगा रहे हो कि वो ये चीज़ नहीं है कि उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन पैसे के लिए खेल किया गया। अब रही बात, एक चीज़ और सामने आई थी, आपने भी पिक पहाड़ी बताई, पिक पहाड़ी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका खुलासा करना जरूरी, बताइए क्या है। देखो सर, ये खानीवड़ा के सरपंच और पुलिस पाटिल बोल रहे 25 साल से, लेकिन तलाठे ने जैसे मैंने बताया 2016 तक राजीव खुद, ये जो जमीन मालक है राजीव कुमार सिंह, ये 2016 तक खुद उधर खेती कर रहे थे और उधर भात लगा रहे थे 26.5 गुंटे पे। ये तलाठे पिक पानी पे लिख रहा है 2016 तक, मतलब 16 और 20, 4 साल और ये 2 साल, मतलब 6 साल से मोहनदास उधर पिक पानी लगा रहा है, ऐसा 7/12 पे आ रहा है, लेकिन 25 साल से नहीं लगा रहा है, ये तलाटे खुद बोल रहा है। और पुलिस पाटिल और ग्राम सेवक कितना झूठ बोल रहे हैं ग्राम पंचायत, ये साफ साफ इधर से दिखाई दे रहा है। प्लस इसके ऊपर देखो 2016 तक भात है, बाद में जब ही मोहनदास का नाम चढ़ाया गया तो 2019-20 में उधर आंबा लगाया गया, मतलब आम के पेड़ लगाए गए 26 गुंटे के ऊपर, हाँ 26 गुंटे के ऊपर आम के पेड़ लगाए गए 2019 में। 2020 में वो आम के पेड़ काट दिए और उधर भात लगाया गया, मतलब 1 साल में
चलो ये भी मैं मानता हूँ कि आम के पेड़ थे उसको काट दिया, वो काटने के लिए महानगर का पालिके का परमिशन लिया है वृक्ष प्राधिकरण से, वो भी देखना पड़ेगा। और 26 घंटे के ऊपर नहीं नहीं करते करते 500-600 आम के पेड़ लगाए रहेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2019 में आम, 2020 में पीक पानी के ऊपर भात, अभी भात लगाया गया, और 2021 में वापिस आम लगाया जाता है पूरे वर्ष। पूरे वर्ष मतलब ये ऐसा हो गया कि आम लगाया, एक साल में आम भी उग गए, पेड़ भी बड़ा हो गया, उसको बेच दिया, उसको काट दिया, भात खेती लगाया गया और वापिस आम लगाया गया। और देखेंगे अगर रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में सब जगह लिखा है कि भात लगाया है, आम का उल्लेख ही नहीं है। और आज की तारीख में आप जो 2022 का पीक पानी है उसके ऊपर लिखा है आम, लेकिन आप अगर जाओगे वो जगह पे तो वो जगह पे पत्रे लगाए हुए हैं और वो जगह एकदम टोटली फ्लैट हो गई है, उसके ऊपर ना ही आम है ना ही भात है, उधर बांधकाम का काम चालू है, रहने भी हो गए और बांधकाम भी शुरू हो गए। तो सर ये सब घोटाला जो है वो तहसीलदार वसई के डिपार्टमेंट से हो रहा है, और ये सब का कंप्लेंट अभी हमने दिया है। अभी ये कंप्लेंट के ऊपर देखना है कि तहसीलदार और प्रांत उप विभागीय अधिकारी स्वप्निल तांगड़े इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, और वे कार्रवाई के लिए किसको किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, वो देखना जरूरी होगा। हम ऐसा जानते हैं, सुना भी है, और सब कोई जानता है कि आम का एक बार पेड़ लगाने के बाद कम से कम 5 साल बाद आम के फल आते हैं, और आम ऐसा है जो सालों साल चलता है। यहाँ आपने पीक पानी देखा, जैसा अभी स्वप्निल ने बताया कि एक साल आम, दूसरे साल बात, यानी कि उनको खाली कागज रंगना है, कागज पे कुछ भी लिखना है, ये चीज साबित हो रही है। तो एक बार आम, दूसरी बार भात, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनके आम एक साल में पके भी हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इन्होंने आम लगाया, कहते हैं कहावत भी है कि गुठली आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इन्होंने चाहे पीक पहाड़ी पर, चाहे कुछ भी किया, घोटाला किया या कुछ भी किया, इन्होंने आम दिखाया या कुछ भी किया, कुल मिलाकर इनका जो मकसद था आम का पेड़ लगाना है कि वो कुल वहीवाट में इनको वो ज़मीन हासिल हो जाए, तो इनको वो मिली, उसके बाद में मालक भी बने, और मालक बनने के बाद में 2 ही महीने में उस आम का फल भी उनको मिल गया, कम से कम 5 से 6 करोड़ का इसमें व्यवहार भी हो गया। शायद आम आते थे तो इतना पैसा नहीं आता था, यहाँ आम नहीं आकर भी उससे ज़्यादा दाम आ गया। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा खुलासा है। इसके ऊपर पहले भी मैंने खुद भी एक कंप्लेन की हुई है, तब मुझे भी संदेहजनक था, मैंने भी शासन के पास कंप्लेन की हुई, वो भी शासन के पास है, उसकी भी इंक्वायरी जारी है। आज मनसे की तरफ से स्वप्निल डिकुना ने ये कंप्लेन की है। अब देखना यह है कि इसमें प्रशासन क्या भूमिका निभाता है। तहसीलदार से उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पूरा प्रशासन इसमें शामिल है, लेकिन जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस प्रकरण में, और सिर्फ इसी प्रकरण में नहीं, ऐसे और कितने प्रकरण हैं उनमें ध्यान देकर गरीब लोग जिनकी जमीन इस तरह हड़पी जाती है उनको न्याय देना चाहिए। और जो जमीन, जिस तरह से ये जमीन बगैर किसी अपन ये बोल सकते हैं कि इस पर फिलहाल किसी का दावा नहीं है, या वहाँ पर जो राजीव कुमार सिंह है वो फिलहाल है नहीं, तो ऐसी तो इस तरह से ज़मीन जो बेनामी फिलहाल कही जा सकती है, क्योंकि जैसे इनका दावा है कि राजीव कुमार सिंह कहीं पर है नहीं, अभी ये हकीकत मालूम नहीं कि जो इन्होंने नोटिस राजीव कुमार सिंह को कभी बजाया भी है या नहीं बजाया है, और अगर राजीव कुमार सिंह वास्तव में नहीं भी है तब भी ये बेनामी संपत्ति कहनी चाहिए, और उस हिसाब से ये बेनामी संपत्ति किसी और को दी जा नहीं सकती है, ये बेनामी संपत्ति शासन जमा होनी चाहिए। अब देखना यह है कि आगे इस पे प्रशासन क्या कुछ करता है। अभी के लिए इतना ही। इस सीरीज में आगे हम कोशिश करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में पूरी चर्चा करने की, और प्रशासनिक अधिकारी इस पे क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी वो लेने की कोशिश करेंगे हम अपनी। मिलती है नहीं मिलती है नहीं बोल सकते, लेकिन इस सीरीज है, इसमें कुछ न कुछ खुलासे और आगे जरूर हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।